नमस्कार प्यारे साथियों, जय हिंद। कैसे आप लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे और बहुत बेहतरीन तरीके से अपनी तैयारी कर रहे होंगे एचपी पुलिस के अपने एग्जाम को क्रैक करने के लिए। तो दोस्तों, आज की ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, जो लोग एचपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं बहुत समय से। कुछ लोग ऐसे होंगे जो पिछले साल ओवरेज हो गए अपने लास्ट भर्ती लगाने के बाद, तो उन लोगों के पास भी एक बहुत सुनहरा मौका है कि अब जो नई ऑफिशियल नोटिफिकेशन जल्दी ही आ जाएगी। लेकिन कैबिनेट में पिछले कल ये निर्णय ले लिया गया है कि हिमाचल प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की आयु सीमा 1 साल के लिए बढ़ाई जाएगी। ये 1 साल का जो आपको रियायत दी जा रही है, ये सिर्फ इसी साल के लिए दी जा रही है। तो इस साल जो हिमाचल प्रदेश पुलिस कांस्टेबल में आपका जनरल कैटेगरी का जो एज का क्राइटेरिया होगा, जो कि 18 से 25 था, उसे 1 साल बढ़ाकर 18 से 26 कर दिया गया है। साथ ही साथ SC ST OBC और आपका होम गार्ड के लिए तो 28-29 साल पहले से ही एज थी, लेकिन इनके लिए भी अब आपको 1 साल की और रियायत दे दी गई है। यानी कि 18 से 28 साल तक अगर आप लोग हैं और इन कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं, तो आप हिमाचल प्रदेश पुलिस में अपने वर्दी पहनने के सपने को साकार कर सकते हैं। साथ ही साथ कैबिनेट में मंजूरी भी मिल गई है कि बहुत जल्द हिमाचल प्रदेश पुलिस में 1226 जवानों को तैनात कर दिया जाएगा। जल्दी ही नोटिफिकेशन भी आ जाएगी। जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियोस में भी बताया है कि हिमाचल प्रदेश पुलिस की जो नई वैकेंसी है वो बहुत जल्दी आउट होने वाली है। तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी तैयारी लगभग पूरी है, जो बस तैयार है इस चीज़ के लिए कि जल्दी से नोटिफिकेशन आए और हम लोग फॉर्म फिलअप करें और अपनी वर्दी के सपने को साकार करें। तो इसके अलावा बहुत सारे लोग ये पूछ रहे हैं कि दीदी, ये नोटिफिकेशन इस प्रकार की हर रोज़ ही न्यूज़पेपर में आ रही है। देखो, पिछले कल कैबिनेट की मीटिंग हुई है, मीटिंग में ये बात हुई है, तो इसका मतलब है कि ये चीज़ आपकी आनी ही आनी है। बात रही एज रिलैक्सेशन की, वो आपको मिल गया है। आप कह रहे थे कि ग्राउंड के लिए समय नहीं मिला, तो उस समय आपको ग्राउंड के लिए बहुत समय से दिया जा रहा था, क्योंकि जो ग्राउंड के ये RNP रूल चेंज हुए हैं, इसकी नोटिफिकेशन भी बहुत पहले आ चुकी थी कि इस तरह से कुछ सोच विचार होंगे। तो मैंने आप सभी लोगों को उसी समय कह दिया था कि अगर किसी बात पर सोच विचार हो रहे हैं तो वो चीज़ होनी लाजमी है, वो चीज़ होगी, तो आप उसी चीज़ को लेकर आगे बढ़ें। तो बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने अपने ग्राउंड को इम्प्रूव किया, वो अभी मुझसे बात भी करते हैं, बोलते हैं कि हाँ, अब काफ़ी फ़र्क है, हम कर लेंगे। क्योंकि बहुत सारे लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं इस वर्दी को पहनने के लिए, तो मैक्सिमम लोगों का जो सपना है, जो सच में मोटिवेट होकर इस वर्दी के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, तो उन लोगों ने अपने ग्राउंड को भी अच्छी तरह से प्रिपेयर कर लिया है। उसके बाद जो आपका रिटर्न एग्ज़ाम होता है, उसके लिए भी बहुत अच्छी प्रिपरेशन बहुत सारे स्टूडेंट्स ने कर रखी है। आप लोगों में से भी जिन जिन की प्रिपरेशन बिल्कुल पूरी है, कमेंट बॉक्स में अपने प्रेपरेशन के बारे में ज़रूर बताएं कि आपने कितना क्या कर लिया है, क्योंकि मैक्सिमम ऐसे लोग हैं जिनकी तैयारी काफ़ी अच्छी है, बहुत समय से जो लोग तैयारी कर रहे हैं। साथ ही साथ जो लोग ऐसे हैं, जैसे अब स्कूल से जो भी बच्चे पास आउट हो चुके हैं, जिनकी उम्र 18 साल हो चुकी है, तो वो भी इस भर्ती को ज़रूर लगाएं, एक बार देखें कि क्या किस तरह से होता है। मैंने आपको बहुत सारी वीडियोस में बताया है कि इसका एग्ज़ाम HPPSC कंडक्ट करवाएगा। पहले ये एग्ज़ाम हिमाचल प्रदेश पुलिस मुख्यालय की तरफ से दिया जाता था। तो सबसे बड़ी खबर यही है कि आपको यहाँ पर एज रिलैक्सेशन 1 साल और बढ़ा दी गई है, और ये एज रिलैक्सेशन सिर्फ 1 साल के लिए बढ़ाई गई है। यानी इस साल आप 26 साल के भी अगर हैं तो आप अपनी भर्ती लगा सकते। तो यहाँ पर होगा क्या कि कुछ लोग अपनी किस्मत को आजमाएंगे, यानी कि 1 साल अगर बढ़ गया है तो 1 साल कंपटीशन भी बढ़ जाएगा। लेकिन ग्राउंड, जिस हिसाब से आप लोगों को पता है कि ग्राउंड थोड़ा सा इस बार टफ कर दिया गया है, तो यहाँ पर ग्राउंड को क्वालिफाई करने के चांसेस उन्हीं लोगों के हैं जो बहुत समय से अच्छी तैयारी कर रहे हैं, या ग्राउंड के साथ टच है, या उनकी फिजिकल फिटनेस काफ़ी अच्छी है। तो वो अगर 26 साल या 28 साल के भी हैं तो वो एक अच्छी परफॉर्मेंस अपने ग्राउंड में दे सकते हैं। ठीक है, तो बाकी आप सभी लोगों को ऑल द बेस्ट। ग्राउंड की 1 साल एज बढ़ जाना भी बहुत सारे लोगों के लिए बहुत ही खुशी की बात है, क्योंकि बहुत से लोग ओवर एज हो चुके थे जिन्होंने बहुत बेहतरीन तैयारी कर रखी थी, लेकिन किन्हीं वजहों से वो लोग सिलेक्शन नहीं ले पाए थे, तो उनके पास भी एक सुनहरा मौका है। अभी भी आपके पास, अभी जैसे अभी पिछले कल ही कैबिनेट मीटिंग में ये मंजूरी हुई है कि हिमाचल प्रदेश पुलिस में एज रियायत भी दी जाएगी, तो जल्दी ही
फॉर्म भी फिलअप होने शुरू हो जाएंगे, बहुत जल्दी इसकी नोटिफिकेशन भी आ जाएगी। जो लोग मेरे चैनल पर बहुत समय से जुड़े हुए हैं तो उन्हें इस बात के बारे में पता है कि इस चैनल पर जो भी आपको वीडियो या किसी भी प्रकार का मैं कुछ आपके साथ शेयर करती हूँ तो बिल्कुल उसी तरह का आपको देखने को भी मिलता है। मैंने कहा था कि चुनाव के बाद हिमाचल प्रदेश पुलिस फिर से एक सवाल के रूप में सामने आएगी, तो यही सवाल कल कैबिनेट मीटिंग में भी हुआ है, तो जल्दी ही आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगी। एक आधे महीने में आपको भर्तियों की नोटिफिकेशन आ जाएगी, आपके फॉर्म फिलअप होना शुरू हो जाएंगे। तो अभी भी आपके पास एक आधा डेढ़ महीना है, अगर आप कोई ग्राउंड की तैयारी नहीं की है किसी ने तो आप सुबह शाम उठकर ग्राउंड की तैयारी करें, दिन पूरा दिन भर आप अच्छे से पढ़ाई करें, क्योंकि अगर आपने ये समय अपना अच्छे पढ़ाई में और अपने फिजिकल फिटनेस पर लगा दिया तो शायद आपका भविष्य सुधर सकता है आज भी अभी भी। तो जिन लोगों को लगता है कि नहीं ये सब कुछ सिर्फ अखबारों में आ रहा है या इसी तरह से ये सब कुछ बस बातों में ही हो रहा है, तो ऐसा नहीं है, बातों में भी वही बात होती है जिसमें कुछ बात होती है, मतलब जो बात कुछ होने वाली होती है वही बात बार बार हो रही होती है। तो ये होगा, नोटिफिकेशन आएगी, आप लोग भर्ती लगाओगे, और फिर से वही बात कि जिन्होंने इतने समय से स्ट्रगल किया है, पेशेंस रखी है सबसे बड़ी बात, वो लोग इस एग्ज़ाम को क्रैक कर लेंगे और अपने वर्दी के सपने को साकार कर लेंगे। तो आई होप आप लोग भी तैयारी में जुट जाइए, जिन लोगों को सच में ये जुनून है कि हाँ मुझे वर्दी पहननी है, मुझे हिमाचल प्रदेश पुलिस को ज्वाइन करना है, तो वो फुल मोटिवेशन के साथ अपने जीवन में बाकी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें होती है। अब आजकल का युवा सोशल मीडिया पर ज़्यादा एक्टिव है, कोई इंस्टाग्राम फेसबुक, आप थोड़े समय के लिए इन चीज़ों को बंद कर दें, थोड़े समय के लिए सिर्फ अपनी पढ़ाई और ग्राउंड की फिटनेस पर ध्यान दीजिए। तो आई होप आप सब ये अपना जो सपना है वो उसको साकार कर पाओगे, क्योंकि ये चीज़ें हमें डिस्ट्रैक्ट कर दिया है। तो कोशिश करें कि जो चीज़ें आपको डिस्ट्रैक्ट कर रही है थोड़े समय के लिए उन चीज़ों से थोड़ा दूर चले जाएँ, ताकि आप अपने सपने के बिल्कुल नज़दीक आ जाएँ। तो दोस्तों आज की वीडियो यही थी, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक कर दें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और हो सकता है आज या कल इस चैनल पर आपको व्लॉग भी देखने को मिले, क्योंकि दोस्तों बहुत दिनों से लगातार ड्यूटी देने के वजह से व्लॉग भी नहीं डाल पा रही हूँ, समय नहीं मिल रहा, क्योंकि पुलिस की जो जॉब है वो थोड़ी हैक्टिक है, कभी दिन कभी रात, आप समझ सकते हो इस चीज़ को कि जो 24 आवर्स की ड्यूटी है वो है। तो आप समझ गए होंगे कि इतने दिनों से अगर मेरे व्लॉग नहीं आ रहे, वीडियो नहीं आ रहे, आप लोग कमेंट भी कर रहे हैं तो वो क्यों नहीं आ रहे, वो ड्यूटी की वजह से आ रहे दोस्तों, तो वो अलग की बात है। चलो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और जो लोग तैयारी में लगे हुए हैं वो लगे रहे। हाँ, इस चैनल पर जो भी कोई वीडियो अपलोड होती है उसको ज़रूर देखें, आपको मोटिवेशन भी मिलेगी और आपको एक ज़रिया मिलेगा अपने सपने की तरफ एक कदम और बढ़ाने के लिए। तो आई होप आप इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को जल्दी से लाइक कर दो, मिलेंगे जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।